यहीं से जो है अपन शुरुआत कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से जो है ये हमारा गेट ओपन हो गया। किस तरीके से आपको हरी भरी चीजें देखने को मिलेंगी। इधर भी काफी सारे पेड़ पौधे हमने लगाए हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा काफी सारे। सो फिर सामने आपको गेट्स दिख रहे होंगे, विंडो आपको जो है दिख रही होगी, और एक गाड़ी जो हमने अभी अभी जो है परचेस की हुई है। और इसको जब भी कोई नया फेस्टिवल हो या फिर घर में कुछ नया काम हो सो इसे लगाया जाता है। एक बड़ा हॉल हमने बनाया हुआ है ताकि इन फ्यूचर हमारी वर्किंग प्रोसेस अगर बढ़ती है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे विश्वकर्मा जी यहाँ विराजमान है और कुछ इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो फिर काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स का ये क्वेश्चन होता था कि सर आपकी जो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से है और किस तरीके से आप अपना अगरबत्ती प्रोडक्शन करते हैं और किस जगह पे करते हैं और कहाँ करते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता था जो कि काफ़ी सारे व्यूवर्स मेरे को ये क्वेश्चन करते रहते थे। सो फिर जैसे कि व्यूज़ आप देख पा रहे होंगे, सो अभी फिलहाल आपको ये गेट्स जो है दिखाई दे रही होगी और ये है हमारा फैक्ट्री का मेन गेट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और एक छोटा सा टूर वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपकी फैक्ट्री के सारे जो प्रोसेस है, मशीनरी किस तरीके से लगी हुई है और जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल सबसे पहले मैं बात करूँगा तो यहाँ के लोकेशन के बारे में। सो जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। मीन्स हमारा जो अभी फैक्ट्री का एरिया जो आप देख रहे हो ये है रायपुर से 35 किलोमीटर, एक लोकेटेड जगह तिल्दा सिटी पड़ती है। यहाँ आपको जो है लगभग 8 किलोमीटर की रेंज में ये हमारा एरिया जो है पड़ता है। विलेज है कुंदरू गेट का एरिया इसे बोला जाता है और यहीं पर हमारी जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश है। सो कुछ इस तरीके से ये लोकेशन आपको मैंने बताया और ये गेट्स आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो है हम लोग यहीं से करते हैं और जो है ओपन करते हैं और जो प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो सबसे पहले यहीं से जो है अपन शुरुआत कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से जो है ये हमारा गेट ओपन हो गया। सो फिर कुछ इस तरीके से आपको जो है नज़ारा जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले नज़र डालते हैं तो एक छोटी गेट है जहाँ आने जाने के लिए ये हमने रखी हुई है और यहाँ पे हरे भरी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसे कि ये पेड़ आपको दिख रहे होंगे। काफ़ी सारे पेड़ हमने लगाए हुए हैं, आम के, अमरूद के, काफ़ी सारे हैं। सो कुछ इस तरीके से इस तरफ की जो चीज़ें आपको दिख रही होंगी ये हमारा एक मेन रास्ता है जहाँ से हमारा आना जाना होते रहता है। और इस साइड भी आप देखोगे तो काफ़ी सारे पेड़ और काफ़ी सारे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं। फिलहाल जो प्रोसेस है वो हम करते जाते हैं और यहाँ से जो है सीधा हम जाते हैं। सो फिर कुछ पास आने पर कुछ इस तरीके की व्यूज आपको जो है देखने को मिलेगा। सो फिर सामने आपको गेट्स दिख रहे होंगे, विंडो आपको जो है दिख रही होगी और एक गाड़ी जो हमने अभी अभी जो है परचेस की हुई है सो ये भी आपको दिख रही होगी। यहाँ से हम नज़र डालते हैं तो यहाँ भी आपको कुछ पौधे नज़र आएंगे। यहाँ पे एक हमारा सुंदर सा नारियल का पौधा जो है आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारी फैक्ट्री जो है कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेंगी। एक छोटा शेड हमने एक मशीनरी के लिए बना के रखी हुई है। फिलहाल जो है और कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँ सो ये भी एक अच्छी जो चीज़ें हैं हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर पर जो है चली आ रही है, ये बोलते हैं धान का खोरपा छत्तीसगढ़ी भाषा में। और इसको जब भी कोई नया फेस्टिवल हो या फिर घर में कुछ नया काम हो सो इसे लगाया जाता है। सो ये भी एक बहुत अच्छा जो है हमारी छत्तीसगढ़ी कल्चर के हिसाब से माना जाता है। और जो है कल माँ लक्ष्मी की पूजा की गई थी तो कुछ दरवाजे पे आपको केले के पत्ते लगे हुए दिख रहे होंगे, इधर भी हमने ये लगाया हुआ है। और शुरुआत मैं यहीं से कर लेता हूँ। सो फिर ये हमारे पास एक स्क्रीनिंग मशीन जिससे जो है चारकोल की स्क्रीनिंग की जाती है। सामने से मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो कुछ इस तरीके से आपको इसमें जो है जालियाँ लगी हुई दिख रही होंगी और ये बड़ी मशीन है, इसका भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा प्रोसेस में ये स्क्रीनिंग करके दे देती है। हाल फिलहाल में इसे हमने बनवाया था और इसमें जो है 1 HP की जो है वाइब्रेटर मोटर जो है आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेस जो है करती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारी मशीनरी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो वेस्टेज सामान होते हैं यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, कार्टून्स हो गई, बोरियाँ हो गई, सो ये यहाँ पे रखी जाती है।
और जो है हम आगे चलते हैं और आगे जो है कुछ इस तरीके की गेट जो है आपको फैक्ट्री इंटर करने से पहले देखेंगी, और यहाँ से जो है कुछ नज़ारा इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। एक बड़ा हॉल हमने बनाया हुआ है ताकि इन फ्यूचर हमारी वर्किंग प्रोसेस अगर बढ़ती है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी सारे अलग अलग जगह पे वेंटिलेशन खिड़कियां आपको देखने को मिलेंगी जो कि एयर पासिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो ये हमारे विश्वकर्मा जी यहाँ विराजमान है और कुछ इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे हम बात करें तो यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं एक मशीन से जो कि आप जानते होंगे कि कल माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना का भी काम यहाँ पे किया गया, और कुछ मशीनें कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक और मशीनें लगी हुई हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, और कुछ अलग अलग तरीके के जो है स्टिक्स अगरबत्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। और यहीं से हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे और कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। एक मशीनें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको जो है सॉडस्ट की बोरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी वर्किंग प्रोसेस क्लोज है क्योंकि आप जानते होंगे त्यौहार का टाइम चल रहा है तो सब अपने घर पे गए हुए हैं, और कुछ प्रीमिक्स के लिए बैम्बू स्टिक्स के लिए ये बर्तन रखी हुई है। और आगे मैं और बात करूँ तो ये हमारा टूल बॉक्स एक तरीके से हम कह सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे हमें रखनी पड़ती है। आगे मैं बात करूँ तो एक ड्रम्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि पानी प्रीमिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये मिक्सचर मशीन जिसमें से हमारा प्रीमिक्स जो है रेडी होता है, और कुछ इस तरीके से आपको ये जो है देखने को मिलेगा। 50 केजी की कैपेसिटी है इसकी, और इसी से हम जो है अपना ब्लैक प्रीमिक्स जो है बनाते हैं। आगे आपको चारकोल की कुछ बोरियां देखने को मिलेंगी, अभी स्टॉक में कुछ नहीं, यहां से हमारा चारकोल रखने की ये पूरा जगह है, लेकिन अभी जितना भी प्रोडक्शन किया गया वो दिवाली के लिए कस्टमर को भेजा गया, तो फिलहाल के लिए अभी स्टॉक जो है खाली खाली आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर वेट मशीन आपको देखने को मिलेंगी, और कुछ ये यहाँ पे हमारा प्रीमिक्स बनाने का प्रोसेस होता है और यहीं से ये मशीनों पे चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे जोस और गम कैपेसिटी की पाउडर्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी होती हैं। और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ड्रायर फैन जो कि अभी वर्किंग प्रोसेस में नहीं है, और कुछ कैरेट्स भी आपको खाली दिख रही होंगी। फिलहाल जो है ड्राइंग का सबसे अच्छा प्रोसेस मैं इसे मानूंगा, और इसमें अच्छी तरीके से जो है 150 केजी अगरबत्तियाँ ड्राई हो जाती हैं। और भी पंखे हमारे पास हैं, जैसे कि ये किनारे पे एक फ़ैन रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ जो है स्टॉक्स जो है अभी आपको देखने को मिलेंगी, और कुछ इस तरीके से ये हमारा एक नया पैकिंग हमने तैयार किया जिसमें आपको कार्टून दिखेंगी, उसके बाद हमने ये बैग भी बनाया हुआ है ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरीके की कोई इशू नहीं हो। फिलहाल हमारा ये जो है खाली रॉ अगरबत्ती के लिए हमने ये पैकिंग तैयार की हुई है। इस तरफ हम चलेंगे तो कुछ आपको ये ऑयल के डिब्बे दिख रहे होंगे, यहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें नेसेसरी चीज़ें रखी हुई है, और ये है हमारा कुछ इस तरीके की चीज़ें। इसके बाद हम आगे चलते हैं और ये दो रूम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ये है हमारा एक स्टोरेज रूम जहाँ पे कुछ चीज़ें जो है रखी हुई है, जैसे कि अभी आप सामने देख पा रहे होंगे। सो ये कुछ स्टिक्स की बोरियाँ आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे अगरबत्तियाँ पैकिंग की हुई हैं, और कुछ और बैग देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है रखी हुई हैं जिसमें अगरबत्तियाँ हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और देखा जाए तो ये हमारा स्टोरेज का ही काम आता है, जिसमें से बैग्स वगैरह रख लिए या फिर जो खाली डिब्बे हैं वो रख जाता है, या कार्टून की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे होती है, और कुछ अन्य एसेसरीज चीज़ें यहाँ भी रख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा एक स्टोरेज रूम एक तरीके से आप कह सकते हो। इसके बाद जो है मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे दूसरे रूम पे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सामने आपको एक छोटा सा किचन जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं तो ये जो है हमारा एक पहले का स्टूडियो था जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसा कि आप जानते होंगे तो काफ़ी सारे वीडियोस हमने इसी भी स्टूडियो पे जो है बैठ के बनाए हुए हैं, और
काफ़ी सारे जो पुराने हमारे व्यूअर्स होंगे जो काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि पुरानी वीडियोस में कुछ इसी तरह की चीज़ों पे बैठ के बनाया करता था। ये ब्लैक बोर्ड्स आपको याद होंगे जिसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेशन भी मैंने बताया था, तो वो वीडियो मैं यहीं जो है बनाता था। अभी के जो वीडियोज़ आ रही हैं वो वीडियो है हमारे नए शॉप का, जिस लगभग 6 से 7 महीने हुए हैं अभी। मेन सिटी पे हमने एक शॉप ओपन किया हुआ है जिस पे जो है अभी की वीडियोस आती हैं, तो वो है मेरे शॉप का वीडियो। और ये था हमारा पुराना स्टूडियो, कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स हो गए या फिर कंप्यूटर्स हो गया वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिखाने की कोशिश करूँगा। सो कुछ ट्रायल बेसिस में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बीकर्स हो गया, परफ्यूम के सैंपल्स हो गए, कुछ टेस्टिंग करना हो तो यहाँ पे चीज़ें जो है रखी हुई है। सो फिर यही था आज का हमारा फैक्ट्री टूर वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। और ये जो है हमारे व्यूवर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिमांड पर मैंने बनाया था। हालाँकि मेरी सोच ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब ओपनली मेरा कुछ ऐसा छुपाने का या फिर दबा के जो चीज़ें हैं वो बिजनेस करने का फॉर्मूला नहीं होता। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या फिर जो भी मेरे कस्टमर्स हैं उनको पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई जो श्रीराम अगरबत्ती वाला है वो कैसे काम करता है। सो ये है भाई हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और जो है एक चीज़ मैं और कहना चाहूँ तो अभी के टाइम पर जो भी बिजनेस में आते हैं वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। लोगों का ये सोचना होता है कि हमने बिज़नेस तो स्टार्ट किया लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। चीज़ें अच्छी कब होती हैं? जब आप उन प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं और उसके ऊपर जो है अपना हार्ड वर्क देते हैं, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कुछ चीज़ें जो है आपको हासिल होगी। और ये बहुत जल्दी नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मैं तो चाहूँगा कि अभी जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये भी मेरे लिए छोटा ही है, मैं इससे अच्छा और बेहतर और चीज़ें होने के बारे में सोचता हूँ कि इससे चीज़ें और कुछ अच्छा हो जाए। और जो भी चीज़ें हमने अभी के टाइम पे आप देख पा रहे होंगे ये मेहनत के ज़रिए से और आप सब लोगों के प्यार की वजह से हो पाई है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपका काम के प्रति जुनून है आप मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्क आप रख सकते हैं और पेशेंस भी आप रख सकते हैं, तो आप सफलता हासिल ज़रूर कर लेंगे एक ना एक दिन। बस मेरा आज का ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद करूँगा कि ये वीडियोज़ आपको अच्छी ज़रूर लगी होंगी।